हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। यह स्टोरी मेरे पड़ोस में रहने वाली 80 साल की अम्मा की है। अम्मा बड़बड़ा रही थी। सुबह सुबह उठकर बड़बड़ करना उनकी रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती यह दाल वाली रोटी, हमारे घर में यह नहीं चलता, हमारे घर में वह नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं अम्मा, पूजा पाठ हवन मंत्र सबके खाने में रोक टोक, सोने जागने पर रोक टोक, सबके जीने के स्तर पर रोक टोक। पड़ोस में रहता हूँ न मैं, और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसीलिए न चाहते हुए भी सारी की सारी बातें मेरे कान में पड़ती रहती हैं। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर रह जाती है, घूमती है अम्मा के पीछे पीछे उनका अनुसरण करती हुई। आंगन में बेटी की आवाज गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, अब पत्ती और चीनी डाल दूं? नहीं, थोड़ा सा और उबलने दे, अम्मा अखबार पढ़ती हुई बोली। मुझे हंसी आ गई थी कि 50 साल की बेटी माँ से चाय बनाना सीख रही थी। अम्मा चाहती हैं कि सभी पूरी उम्र उनके सामने बड़े ही न हो। हाँ, अब चाय डाल दे, चीनी और दूध भी, 2-3 उबाल आने दे। हाँ, अब ले आ। अम्मा की कमजोरी हर रोज मैं महसूस करता हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती कि कोई अपनी इच्छा से सांस भी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ रही, फिर अलग चली गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया, उसे देखकर छोटा लड़का डर गया। वह ऐसा घबराया कि उसने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया। दुकान के भी एक-एक काम में अम्मा का पूरा दखल था। नौकर कितनी तनख्वाह लेता है, इसका पता भी छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा ही तनख्वाह बांटती थी। छोटे बेटे का परिवार हुआ। बड़ी समझदार थी उसकी पत्नी। जब आई थी अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन अब 18 साल में एकदम फूहड़ गवार बन कर रह गई है। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चूहल करती तो मेरा मन उबलने लगता। गुस्सा आता मुझे कि कैसी औरत है यह। कभी उनके घर जाकर देखो तो रसोई में वही टीन के डिब्बे लगे हैं, जिन पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ चुकी है। बहू की क्या मजाल जो नए सुंदर डिब्बे लाकर रसोई में सजा ले और उनमें दाले मसाले डाल ले। मर्जी अम्मा की और पुहरता का लेबल बहू के माथे पर। बड़ी बेटी जो दिन रात माँ का अहम संतुष्ट करती है, जिसका अपना घर हर सुख सुविधाओं से भरा भूरा है, जो माइक्रोवेव के बिना खाना ही गर्म नहीं कर सकती, वह क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकती? मगर नहीं, पता नहीं कैसा मोह है इस बेटी का कि माँ का दिल न दुखे, चाहे हजारों दिल दिन रात कुढ़ते रहें। मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उनके कान में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा कि बहू ने 4थी रोटी पर भी हाथ डाल दिया, तो बच्चों को नपा तुला भोजन परोसने वाली अम्मा कहाँ सह लेती कि बहू हर रोज 1-1 रोटी ज्यादा खा जाती। छोटा लड़का माँ को खुश करता करता ही बीमार रहने लगा था। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता और पेट में डलती गिन गिन कर पतली पतली 5 रोटियां, जो उसके पूरे दिन का राशन थी। बाजार से कुछ खरीद कर इस डर से नहीं खाता कि कहीं नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देंगी। किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे घर पर। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा यह कहते हुए गंडे तावीजों में ऐसी पड़ी कि अड़ोसी पड़ोसी सब उनको दुश्मन नजर आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। अम्मा का पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता है और जादू टोने पर भी उनका उतना ही विश्वास था।
पूरा दिन परिवार का खून जलाने वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, जीते जी आसपास चाहे नरक बन जाए। छोटा बेटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था, सांस अधिक फूलने लगी थी, इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही था। एक सुबह वह चल बसा। हम सब भागकर उनके घर जमा हुए तो मेरी सूरत पर नजर पड़ते ही अम्मा ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, हाय तू मेरा बेटा खा गया, तूने जादू टोने किए, देख मेरा बच्चा चला गया। मैं अवाक रह गया, सभी मेरा मुंह देखने लगे। ऐसी दर्दनाक मंजर और उस पर मुझ पर ऐसा आरोप, मुझे भला क्या चाहिए था अम्मा से जो मैं जादू टोना करता। अरे बड़की बहू तेरी बड़ी सगी है ना, सारा छोटा न ले जाए, इसीलिए उसने तेरे हाथ जादू टोने भेज दिए। मैं कुछ कहता इससे पहले मेरी पत्नी ने मुझे पीछे खींच लिया और बोली, शांति से चलो यहाँ से। माँ का ऐसा था कि दया की पात्र अम्मा वास्तव में एक पड़ोसी की दया की हकदार भी नहीं रही थी। इंसान बहुत हद तक अपने हालात के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। उसका किया हुआ एक एक कर्म कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है। लंबी दूरी तय कर लेने के बाद भी शुरू की गई कड़ी से वास्ता नहीं टूटता। 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसी ही हैं। बहू दुकान पर जाती है और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर भी संभालती है। अम्मा की सारी कड़वाहट अब पोती पर निकलती है। 4 साल हो गए बेटे को गए, इन 4 सालों में अम्मा पर बस इतना ही असर हुआ है कि उनकी जबान की धार पहले से कुछ और भी तेज हो गई है। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह शोर मत किया करो अम्मा, मेरे पेपर चल रहे हैं, रात भर देर तक पढ़ना पड़ता है और सुबह 4 बजे से ही तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती है। एक दिन बड़ी पोती ने चीख कर कहा तो अम्मा सन्न रह गई, रहना है तो तुम हमारे साथ आराम से रहो वरना चली जाओ बुआ के साथ, दाल वाली रोटी पसंद नहीं तो बेशक भूखी रह जाओ, सादी रोटी बना लो मगर मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा पेपर है। हाय हाय मेरा बेटा चला गया, तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। अम्मा की बातें बीच में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया तभी तुम्हारी भी हिम्मत होती है उठते बैठते हमें घर से निकालने की, पापा जिंदा होते तो तुम्हारी जबान भी इतनी लंबी न होती। खिड़की से अंदर आवाजें आ रही थी, अपने बेटे को कभी पेट भर कर खिलाया होता तो आज हम भी बाप को न तरसते। अम्मा इज्जत लेना चाहती हो तो इज्जत करना भी सीखो, मुझे पापा मत समझना अम्मा, मैं नहीं सह पाऊंगी, समझी न तुम। शायद अम्मा का हाथ पोती पर उठ गया था जिसे पोती ने रोक लिया था। तरस आता था मुझे बच्ची पर, लेकिन अब थोड़ी खुशी भी हो रही है कि इस बच्ची को विरोध करना भी आता है। पेपर खत्म हुए और एक दिन फिर से घर में कोहराम मच गया। घबरा कर खिड़की में से देखा, चमचमाते 3 बड़े बॉक्स आंगन में पड़े थे जिन पर अम्मा चीख रही थी। दुकान से पैसे लेकर खर्च जो कर लिए थे, घर में इतने बॉक्स हैं फिर इनकी क्या जरूरत थी। होंगे मगर मेरे पास नहीं है और मुझे अपना सामान रखने के लिए चाहिए था। अम्मा कुली का हाथ रोक रही थी तो पोती ने अम्मा का हाथ झटक दिया था और बोली, चलो भैया बॉक्स अंदर रखो। छाती पीट पीट कर रोने लगी थी अम्मा। पोती ने लगे हाथ रसोई में जाकर टीन के सभी डब्बे बाहर ला पटके, जिन्हें बाद में कबाड़ी वाला ले गया। पोती ने नए सुंदर डिब्बे धोकर सामने मेज पर सजा दिए थे। अम्मा ने फिर मुंह खोला तो इस बार पोती शांत स्वर में बोली, पापा कमा कमा कर मर गए, मेरी माँ भी क्या कमा कमा कर
तुम्हारी झोली ही भरती रहेगी। हमें जीने कब दोगी अम्मा? जीते जी जीने दो अम्मा, हम पर कृपा करो। पोती की इस बगावत से अम्मा सन्न थी, वे सुधरेंगी या नहीं मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि अम्मा के लिए यह सब किसी प्रलय से कम नहीं था। सोचता हूँ इतना ही विरोध अगर छोटे बेटे ने भी कर दिखाया होता तो इस तरह का दृश्य नहीं होता जो अब इस घर का है। कुछ और दिन बीत गए। 20 साल की पोती धीरे धीरे मुंहजोर होती जा रही है, अपने ढंग से काम करती है और अम्मा को जायज मान सम्मान भी नहीं करती। हर रोज घर में तूतू मैमै होती है। बच्चों के खाने पीने में अम्मा की सदा की रोक टोक, भला पोती सहे भी क्यों। भाई को पेट भर खिलाती है, कई बार थाली में कुछ छूट जाए तो अम्मा चीखने लगती है, कम डालती थाली में तो इतना जाया ना होता। तुम मेरे भाई की रोटियां मत गिना करो अम्मा, बढ़ता बच्चा है, कभी भूख ज्यादा भी लग जाती है। तुम्हारी तरह मैं पेट नाप नाप कर खाना नहीं बना सकती। मैं पेट नाप कर खाना बनाती हूँ, अम्मा चीखी। क्या तुम्हें नहीं पता घर में तुम्ही ने 2 रोटी का नियम बना रखा है ना, और पेट नाप कर बनाना किसे कहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया, सांस भी नहीं लेने देती थी तुम उन्हें, घुट घुट कर मर गया मेरा बाप। अब तो हमें जीने दो। इंसान दिन रात रोटी के लिए खटता मरता है, हमें तो पेट भर खाने दो। अम्मा आप पगलाई सी हैं, सारा राजपाट अब पोती ने छीन लिया है। जरा सी बच्ची एक गृहस्वामिनी बन गई, रोती रहती हैं अब अम्मा, सभी को दुश्मन बना चुकी हैं, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। पोती को कोसना घटता नहीं है उनका, अपने भूल वह आज भी नहीं मानती। 80 साल जी चुकने के बाद भी उन्हें बैराग नहीं सूझता। सबसे बड़ा नुकसान उन पंडितों को हुआ है जो अब यज्ञ हवन के बहाने अम्मा से पूरी हलवा उड़ाने नहीं आ पाते। जब कभी कोई भटक कर आ पहुंचे तो पोती झटक देती है, जाओ आगे जाओ हमें बख्शो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।